तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आरपीएससी आईटीआई 2018 की वाइस प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट आईटीआई की वैकेंसी निकली थी। फाइनल इसकी एग्ज़ाम डेट आउट कर दी गई है। 4 नवंबर से लेकर आपका 7 नवंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है। कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया, मगर क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, किस तरीके से इसकी तैयारी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसकी तैयारी करें, उसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये आरपीएससी की वैकेंसी 2018 में निकली थी। इसके बाद 2019 में, आपको अभी लास्ट मंथ की बात करें तो दोस्तों आपको सितंबर से लेकर अक्टूबर में कुछ डेट तक आपको एग्ज़ाम को फिल करने के लिए फॉर्म दोबारा से आप फिल कर सकते थे। अच्छा खासा ऑप्शन दिया गया था। बीटेक वालों को यहाँ सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस देना था वाइस प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट में, और यदि आप इंस्ट्रक्टर के लिए भर रहे थे तो आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना था। यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस वाले भर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं क्योंकि लोग अभी रेलवे के और एसएससी के एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो ये एक बहुत काफ़ी अच्छा मौका है कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी खासी बहुत ही रेप्यूटेटेड जॉब अपने हाथ में ले सकते हैं। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से इसमें आने वाले। दोस्तों, बात करते हैं, पूरा का पूरा टेक्निकल एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग 200 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, तो काफ़ी अच्छा आपके पास चॉइस है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं जिन लोगों का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। आइए चलते हम डायरेक्ट ऑफिशियली नोटिस का जो सिलेबस आया है वो देख लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा सिलेबस दे रखा है। पहले अगर बात करें सिविल ब्रांच की, सिविल ब्रांच में आपका जो इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो पूरा उठ के आने वाला है। सर्वेइंग वाला जो आपकी बुक है वो आने वाली है। जियो टेक्निकल आपका इंजीनियरिंग है, उसमें से काफ़ी कुछ आने वाला है, बहुत ज़्यादा है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, इसके बारे में भी आप पढ़ के जाइए। स्टील स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, पूरा लगभग थ्योरेटिकल ज़्यादा पार्ट आएगा। फ्लूड मैकेनिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग दोस्तों इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, ये देखिए पूरा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि आप पेपर अच्छे से कर सकें। फिर दोस्तों आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाईवे एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी ज़्यादा अपना हार्ड नहीं पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा आने वाला है। बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, स्पेसिफिक इन्होंने चैप्टर बुक के नाम नहीं दिए, फिर भी आपको बताता हूँ कि ये पूरा जो है इलेक्ट्रिकल मशीन का पोर्शन है, जिसमें कि आपका डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर के बारे में आएगा। ये आपका जो है आपका सर्किट थ्योरी वाला जो आपका चैप्टर होता है, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एबीसी नेटवर्क, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब आने वाला है। फिर आपका कंट्रोल सिस्टम होता है, तो उसमें ओपन लूप, क्लोज लूप, स्टेबिलिटी, टाइम रिस्पॉन्स, सिग्नल फ्लो ग्राफ, बोलॉक डायग्राम, ट्रांसफर फंक्शन, ये सब आने वाला है। नेक्स्ट टाइम मेजरमेंट से आपका जितने भी तरह के टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, सीटी, पीटी, करंट निकालना, फ्लक्स, फ्रिक्वेंसी, सभी तरह का मेजरमेंट आने वाला है। अगला आपका सेमीकंडक्टर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें से आने वाला है। दोस्तों, पावर सिस्टम की पावर प्लांट, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी, कंट्रोलिंग जो आपका है डिवाइस वो आएगा। यूटिलाइजेशन, स्पीड कंट्रोल, ट्रैक्शन के बारे में, और इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर भी आपका आएगा। नेक्स्ट बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, आपका इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का आएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्मोडायनामिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। फ्लूड मैकेनिक्स आपका आने वाला है, काइनेमेटिक ऑफ मशीन आने वाला है, डायनामिक मशीन आएगा आपका। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का दोस्तों काफ़ी बड़ा पार्ट आने वाला है, तो इसको अच्छे से करके जाइए। मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मशीन डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टर्बो मशीन, काफ़ी कुछ आने वाला है, और हीट ट्रांसफर का चैप्टर भी आएगा। इंटरनल कंबंशन इंजन, रेफ्रिजरेशन यानी आरएसी वाला, और पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पावर प्लांट के बारे में आने वाला है। प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऑपरेटिंग रिसर्च, वाइब्रेशन, तो मैकेनिकल में आपका काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस आने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जानी है। बात करते हैं आईटी की, तो दोस्तों कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आएगा इसमें। नेक्स्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कंप्यूटर में मैथमेटिक्स फंक्शन किए जाते हैं, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस, डीबीएमएस, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे, और डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ये DHTML और XHTML, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ IT, इसके बारे में भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी हार्ड रहता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ईजी रहता है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट आएगा, नेटवर्क्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन फर्स्ट, कम्युनिकेशन सेकंड, ये सब आएगा। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 8085, 8086, ALP, CPU, प्रोग्रामिंग आपकी लैंग्वेजेस की C++, जावा,
ये सब आएगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इस सब के बारे में आएगा। पैटर्न जो है क्वेश्चन का दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हुई थी बताने में कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स से होंगे और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट ओनली वन सब्जेक्ट, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट करना है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी आपकी ब्रांच हो। सो आई होप दोस्तों आपको सिलेबस समझ गया होगा, काफ़ी ईजी रहने वाला है, बस थोड़ा पेपर आप पढ़ोगे तो ईजी है और नहीं पढ़ोगे तो हार्ड रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलने वाला है, लगभग एग्जाम आपका 99% चांस है अजमेर में ही हो, तो सभी लोग अपना जहाँ तक हो सके एक बार देख लीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाए उसके बाद अजमेर का रिजर्वेशन करवा लेना, और वीडियो को जितना हो सके फैला दीजिए दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।